यार स्नीकर्स आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर तो हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि स्नीकर्स पहनने का सही तरीका क्या है, और इसलिए मैक्सिमम लोग आजकल या तो यो यो बॉय दिखते हैं या फिर ऐसा लगता है कि आपने स्नीकर्स बस जबरदस्ती पहने हुए हैं। बट अगर आप चाहते हो स्नीकर्स के ट्रेंड को अच्छे से एंजॉय करना एंड आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छे भी लगो उसमें, तो ये वीडियो प्लीज सारा एंड तक देखना, सारे रूल्स बहुत ध्यान से सुनना। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं ज़ैन कालरा एंड आज का वीडियो होने वाला है स्नीकर रूल्स जो आप बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। एंड वीडियो में कहीं ना कहीं एक गिव अवे भी छुपा हुआ है, तो सारा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर 3 न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक, है ना, नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्नीकर रूल ये है कि आपको स्नीकर हमेशा अपने एस्थेटिक से मैच करवाना है। मतलब जो आपका स्टाइल है, जिस टाइप की आपकी वाइब है, उस हिसाब से आपको स्नीकर्स पहनने। जैसे अगर आप एकदम मिनिमल स्टाइल पहनते हो, बेसिक कपड़े पहनते हो, तो उसके साथ एकदम मिनिमल प्लेन लेदर के स्नीकर्स पहनो। अगर थोड़ा सा टेक वेयर या फ्यूचरिस्टिक टाइप का स्टाइल पहनते हो, तो उसके साथ उसी टाइप के जूते पहनो। एंड अगर थोड़ा सा सॉफ्ट कोर यानी थोड़ा प्यारा प्यारा टाइप के कपड़े पहनते हो आप, तो उसके साथ भी प्यारे प्यारे टाइप के ही स्नीकर्स पहनो, सॉफ्ट एकदम। स्पोर्टी स्टाइल है तो स्पोर्ट्स वाले पहनो। एंड अगर आपका एकदम हार्ड कोर स्ट्रीट स्टाइल है, तो आप साथ में स्ट्रीट स्टाइल वाले जूते पहनो ना। नेक्स्ट रूल है कि आपको प्रोपोर्शंस भी मैच करनी है अपने स्नीकर्स की। बेसिकली अगर आप चंकी स्नीकर्स यानी कि वो मोटे बल्कि स्नीकर्स पहनना चाहते हो, तो साथ में आपके ऊपर के कपड़े भी थोड़े से बड़े ओवरसाइज टाइप के ही होने चाहिए, ताकि आपकी पूरी बॉडी एक ही चीज लगे। ऐसा ना लगे कि नीचे तो ऐसा कोई चंकी स्नीकर है उसके ऊपर डंडी डाली हुई, या नीचे स्किनी जीन्स और स्लिम स्नीकर्स पहन ली और ऊपर ओवरसाइज टी शर्ट पहन ली तो आइसक्रीम लगोगे। और ऐसे अगर आपने स्लिम स्नीकर्स पहने हैं, तो ऊपर भी कुछ मेंस वेयर टाइप का पहनो, शर्ट और स्लिम फिट चिनोस टाइप का। और इसी से हम आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, जो कि है कि अगर आपने चंकी स्नीकर्स पहने हैं, तो उसके ऊपर जो भी आपने चाहे ओवरसाइज या बैगी जीन्स पहनी हो या फिर स्ट्रेट फिट कार्गोस पहनी हो, जो भी पहनो, वो आपके स्नीकर्स के ऊपर गिरनी चाहिए। आपके स्नीकर्स के ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा थोड़ा छुपानी चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी लेग से लेके आपके फुट तक बीच में कहीं कोई ब्रेक नहीं आता, तो ऐसा लगता है काफी कूल और कैजुअल तरीके से आउटफिट पहनी हुई है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और अपने आप ही अच्छा लग रहा है। इसी से हम आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे, जो कि है कि अगर आप स्लिम वाले स्नीकर्स पहन रहे हो, क्लासी वाले स्नीकर्स पहन रहे हो, तब थोड़ा बेटर लगता है अगर आप अपने एंकल्स थोड़े से दिखाओ। अब चाहे उसमें आपने सॉक्स पहनी हो, लेकिन वो पार्ट दिखना चाहिए, क्योंकि स्लिम स्नीकर्स और आपके ऊपर की स्लिम फिट जो पैंट्स हैं, उनके बीच में एक ब्रेक होना चाहिए। मतलब होना चाहिए से मतलब है कि वो बेटर दिखे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्लिम स्नीकर्स और स्लिम चीनोज आपके ना बॉडी से एकदम जुड़े हुए होते हैं, तो उनको एक लाइन में दिखाना बहुत मुश्किल है, तो उससे अच्छा उनके बीच में ब्रेक डाल के कुछ कॉन्ट्रास्ट दिखा दो। और इसी से आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप स्लिम स्नीकर्स पहन रहे हो ना, काफियों को लगता है कि क्योंकि एंकल दिखाना है तो हम सॉक्स ही नहीं पहनेंगे। भाई देखो, सॉक्स ना पहनने से ये चीजें होती हैं कि पहली चीज, आपके पैर में से पसीना बहुत जो आता है वो आपके स्नीकर के अंदर लगता रहेगा, उसकी इनर लाइनिंग पे, तो आपके स्नीकर्स जल्दी खराब होंगे। दूसरा, उस पसीने की वजह से चलते हुए आपको अंदर से पैर स्लिप होता हुआ पता चलता है, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। और तीसरा, कि आपके पैर में शूज के साथ फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज्यादा ब्लिस्टर्स यानी कि छाले हो जाएंगे, तो इस केस में आपको पहननी है नो शो वाली सॉक्स। नो शो वाली सॉक्स आपको पता ही है कि आपके स्नीकर्स के अंदर अंदर वाले एरिया पे ही कवर करती हैं, आपको बाहर से नहीं दिखती। तो अगर आप कोई फुल पैंट्स पहन रहे हो, तो हमेशा बेटर होता है कि या तो आप स्नीकर की मेन कलर वाली सॉक्स पहनो, या फिर आप अपनी पैंट के कलर वाली सॉक्स पहनो, क्योंकि इससे सिर्फ एक ब्रेक आता है। क्योंकि अगर आप अंदर कोई और कलर की पहन लोगे, तो उस एरिया में तीन अलग टाइप के कलर हो जाएंगे, पैंट का कलर, सॉक्स का कलर, फिर जूतों का कलर, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। एंड अगर आप शॉर्ट्स पहन रहे हो, तब तो आप सॉक्स बहुत कूल पहन सकते हो, या तो शॉर्ट्स के ऊपर के कोई कलर की सॉक्स पहन लो आप, या फिर आपके स्नीकर के ऊपर कोई और नेक्स्ट लेवल ब्राइट सा कलर है, उस कलर की भी सॉक्स पहन सकते हो, जैसे कि आप ऑरेंज कलर वाली पहन सकते हो। ये कलर मैचिंग की टेक्निक मैंने कलर मैचिंग वाले वीडियो में बताई थी, आप वो जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। और अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट टाइप के स्नीकर्स भी है ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा पैर दिखता है, प्लीज वहां पे भी सॉक्स पहननी बहुत जरूरी है। वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट इसलिए नहीं है कि आपके पैर दिख पाए, वो इसलिए है कि आपके अंदर की अच्छी अच्छी सॉक्स को आप फ्लॉन्ट कर पाओ। भाई नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल पहनने से रिलेटेड नहीं है, खरीदने से रिलेटेड। प्लीज स्नीकर्स को सिर्फ क्लाउट के लिए मत लो। क्लाउट मतलब कि शो ऑफ करने के लिए, सोसाइटी में पॉइंट्स लेने के लिए, मतलब कि इंस्टाग्राम पे डाल दिया, लाइक्स आ गए, प्लीज उस चीज के लिए स्नीकर्स मत लो। मतलब मान लो कि आपको कोई जॉर्डन्स बहुत ज्यादा पसंद आ गए, आपने सोचा कि मैं ये जॉर्डन्स लेके रहूंगा या रहूंगी, आपने देखा उसका प्राइस है 15,000 रुपए, तो आपने मनी सेव करना शुरू कर दिया, मम्मी पापा से थोड़ा सा ले लिया, और आपने थोड़े टाइम बाद जाके जॉर्डन्स ले लिए 15,000 रुपए के। अब आप जॉर्डन्स पहन के एक फोटो डालोगे इंस्टाग्राम पे, आपको लाइक्स आएंगे ही आएंगे पक्का, एक फोटो पे आएंगे। मतलब जो भी आपने इतना महंगा एक जॉर्डन लिया है, जो कि डेफिनेटली कोई कलर का होगा, ग्रीन या ब्लू कुछ होगा, उस पे आप एक फोटो डालोगे, लाइक्स आएंगे बहुत सारे, दूसरी फोटो डालोगे थोड़े से कम लाइक्स आएंगे, तीसरी फोटो तक आपको उस पे कमेंट आ रहे होंगे कि भाई एक जूता कितनी बार पहने, क्योंकि है तो वो बहुत लाउड जूता, बहुत अच्छे से दिखता है। और ऐसे आपकी जो स्टार्टिंग में इतनी जबरदस्त खुशी थी कि भाई 15,000 खर्च के मैंने इतना जबरदस्त स्नीकर लिया है, या चलो जॉर्डन आपने 10,000 वाले भी ले लिया, तब भी 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो तीन फोटो डालने के बाद जीरो हो जाएगी और आप दुखी हो रहे होगे कि यार अब मैं तो पहन ही नहीं सकता ये। तो सोशल मीडिया के जाल में मत फंसो, जो खरीद रहे हो वो खुद के लिए खरीदो। मैं बोलूंगा कि आपके पास एक जॉर्डन खरीदने के लिए 10,000 या 15,000 रुपए एकदम से अवेलेबल नहीं है, या फिर वो आपकी सैलरी का मे बी से 10% नहीं है, तो आप प्लीज मत खरीदो। अगर आपके पास एक टाइम पे 15,000 रुपए पड़े भी हैं,
तो यार उससे 5,000 के 3 नेक्स्ट लेवल स्नीकर्स खरीद लो ना। या मान लो कि आप उस 15,000 में एक 7,000 रुपीस का एयरफोर्स 1 खरीद लो वाइट, उससे बेटर स्नीकर तो नहीं है ना कोई, और उसमें आपको लोग गालियां भी नहीं देंगे, हमेशा अच्छा लगेगा वो जिंदगी भर। बाकी के 7,000 में एक फॉर्मल ओकेजंस के लिए एक ड्रेस शू खरीद लो, 3,000 रुपए का आ जाएगा। एक वैंस खरीद लो ब्लैक एंड व्हाइट वाला इधर उधर पहनने के लिए, और एक कोई पूमा का चंकी स्नीकर खरीद लो, क्योंकि मेन फंडा है अपनी रोटेशन अच्छी बनाना, कि आप हर बार जब भी पहनो आपको खुद भी खुशी मिल रही है, आप अच्छे भी लग रहे हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप जॉर्डन्स बिल्कुल भी मत लो, आपको जॉर्डन्स लेने हैं लो, लेकिन तब लो जब आप बहुत फ्रीक्वेंटली नए नए जॉर्डन्स ले पाओ। तो थोड़ा समझदारी दिखाओ और ऐसे स्नीकर्स लो जो कि आप बहुत बार पहन पाओ और आप हर बार स्टाइलिश लग पाओ। तो एक बार आप स्ट्रीट स्टाइल करना चाहते हो तो आपके पास व्हाइट वाला एयरफोर्स 1 होगा, या एक बार आप प्लेन बेसिक स्टाइल करना चाहते हो तो आपके पास मे बी से वैंस होंगे। कोई डिनर या कोई फॉर्मल ओकेजन आ गई जहां पे आपको सूट वगैरह पहनना है तो आपके पास ड्रेस शूज भी होंगे। वैसे एक नया चैनल आने वाला है जिसमें आपको ये सब फाइनेंस वगैरह सब बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। वैसे आप मेरे को एक बात बताओ, आपको जॉर्डन्स ज्यादा पसंद है या फिर आपको प्लेन स्नीकर ज्यादा पसंद है? एंड यही है गिवअवे का क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट्स में डालना है। और इसी से आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे कि यार जब भी आप स्नीकर खरीद भी रहे हो ना, अब मान लो कि अब आप दिमाग लगा के सही अपनी बजट के हिसाब से स्नीकर खरीदोगे बिना ईगो के अच्छे दिखने के लिए, तो अब वो स्नीकर के ऊपर भी ना 3 कलर से ज्यादा तो नहीं होने चाहिए। मानता हूं कि बहुत सारे स्नीकर्स मल्टीपल कलर्स में अच्छे लगते हैं लेकिन उनको स्टाइल करना भी मुश्किल होता है, कम कपड़ों के साथ पहन पाओगे और बहुत जल्दी आप उनसे बोर भी हो सकते हैं और सामने वाले भी बोर हो सकते हैं। चलो माना कि सामने वालों के बोर होने से नहीं फर्क पड़ता, आप खुद बोर हो जाओगे यार। इसलिए कह रहा हूं कि जो स्नीकर आपने एक बार देखा उसको एकदम से लेने का मत सोचा करो, उसको अपने दिमाग में रखो एक हफ्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए, तब भी अगर मन कर रहा है तो लो। और स्नीकर्स में अगर कम कलर्स होंगे ना, जैसे कि मान लो व्हाइट है और साथ में एक और कोई न्यूट्रल कलर जैसे कि ग्रे, और साथ में एक थोड़ा सा अच्छा मतलब स्पेशल सा कलर हो गया जैसे कि स्काई ब्लू, तो उसको पेयर करना आसान होगा क्योंकि उस टाइप के आप कपड़े अलग से भी ले पाओगे, पुराने कपड़ों के साथ भी पेयर कर पाओगे, तो आप एक ही स्नीकर से बहुत सारी आउटफिट बना पाओगे, तो आपके लिए जो इफेक्टिव कॉस्ट आई मतलब एक्चुअल में आपका जो खर्चा हुआ वो कम हो। नेक्स्ट स्नीकर रूल पे आ जाते हैं कि यार प्लीज हर स्नीकर पे उल्टी सीधी लेसिंग मत किया करो। क्लासिक क्रॉस लेसिंग हमेशा अच्छी या मतलब नॉर्मल तो लगती है, कुछ स्नीकर्स पे जो कि थोड़े से चंकी होते हैं और आप थोड़ा सा उनको कैजुअली पहनने वाले हो उनके ऊपर आप ओपन लेसिंग कर सकते हो। ओपन लेसिंग का मतलब है कि आपने उन्हें बांधा नहीं हुआ किसी भी तरीके से, बट वो इतने भी लूज नहीं है कि आपके उसमें से पैर निकले और आप गिर जाओ। दूसरी चीज की हर स्नीकर पे बार लेसिंग करने का मत सोचा करो। बीच में ट्रेंड आया था कि सीधा 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 दिखेगा तो मिनिमल दिखेगा, वो एक्चुअली सिर्फ वैंस पे अच्छी लगती है या फिर थोड़े से पतले टाइप के कॉन्वर्स शूज पे अच्छी लगती है, हर स्नीकर पे अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट एक स्नीकर रूल नहीं बोलूंगा मैं एक्चुअली, बट बस ये ना देखो ऐसा है कि रूल तो क्या ही होते हैं, लेकिन स्नीकर कम्युनिटी में मतलब जो लोग स्नीकर्स पहनते हैं उनकी थिंकिंग में बहुत बुरी मानी जाती है ये चीज अगर आप कंपीटिंग ब्रांड साथ में पहनते हो। जिसका मतलब ये कि अगर कोई दो स्नीकर या स्पोर्ट्स टाइप के ब्रांड्स हैं जो कि बहुत कंपीटिंग है मतलब उनके बीच में बहुत कंपटीशन होता है, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल एडिडास और नाइकी, तो ऐसे ब्रांड्स की चीजें साथ में नहीं पहननी चाहिए। मतलब ऑब्वियसली आपको कोई रोक नहीं रहा है, उसमें कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि लोगों को देख के ना वो बड़ा क्रिंज होता है। ठीक है, अगर आपने नाइकी की सॉक्स पहनी हुई है साथ में एडिडास के स्नीकर्स पहने हुए हैं, या फिर नाइकी के स्नीकर्स पहने हुए साथ में एडिडास की सॉक्स पहनी हुई है, अब वैसे तो लोगों को बहुत बुरा लगता है अगर आप टी शर्ट शॉर्ट्स और जूते सॉक्स इन सब में कुछ भी नाइकी एडिडास मिक्स कर दो तो, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ सॉक्स और शूज वाली चीज बड़ी लगती है, बाकी ऊपर तो मेरे हिसाब से चलता है। अब इसमें पूरी आपकी कॉल है, मतलब तब चलेगा कि अगर आप मान लो आपने ऊपर पूमा पहना हुआ है और नीचे एडिडास पहना हुआ है, या फिर आपने मान लो अंडर आर्मर की शॉर्ट्स पहनी हुई है और साथ में नाइकी के स्नीकर्स पहने हुए, ये सब चलता है, बट नाइकी और एडिडास साथ में नहीं चलता। मतलब ये ऐसा हो गया कि मर्सिडीज गाड़ी की चाबी के ऊपर आपने कीचेन बीएमडब्ल्यू की लगाई हुई है। भाई हमारी कब आएंगी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू? एनीवे नेक्स्ट रूल पे आते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने स्नीकर्स का ध्यान रखना, और उसमें जो मैं इस रूल की बात कर रहा हूँ वो ये है कि स्नीकर्स पहनते हुए प्लीज़ एक शू हॉर्न यूज़ कर लिया करो, जिससे कि आप उसकी पीछे हील वाले एरिया को दबा दबा के ना पहनो। यार इतनी मेहनत से आपने स्नीकर्स लिए हैं, उसको अगर आप पीछे से दबा दबा के पहनोगे और वो ख़राब कर देगा उसका हील वाला एरिया, क्या फ़ायदा हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट रूल पे आते हैं कि आपको साथ में शू ट्रीज यूज़ करने हैं। कोई भी अगर आप अपना स्नीकर बाहर से पहन के आए हो तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब आपने वो पहना होता है तो आपके पैर की वजह से थोड़ा सा मुड़ता है, तो जब आप उसको उतारते हो ना तो वो मुड़ने वाली स्टेट में जाना शुरू कर देता है। उसको बचाने के लिए अंदर एक शू ट्री रख दो जिससे कि वो स्ट्रेट रहे एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए, एक दिन के लिए तो रख दो, उसके बाद वो आप शू ट्री हटा सकते हो। ओके, नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं, आपको अपने स्नीकर्स को अच्छे से स्टोर करके रखना है ऐसी जगह पे जहां पे ना धूप आती हो, ना बारिश का पानी आता हो और ना ही धूल आती हो। यार स्नीकर्स को अगर आप पड़े रहने देते हो ना
तो भी वो उतनी तेजी से खराब होते हैं कि जब आप पहन के जा रहे हो, और ये एक सच्चा फैक्ट है। इसलिए अपने स्नीकर्स को बहुत ज्यादा पहनो एंड उनको स्टोर भी ढंग से करो। एंड नेक्स्ट रूल है कि अपने स्नीकर्स को आपको बहुत अच्छे से साफ रखना है, जब वापस आते हो तब भी एकदम से साफ कर लिया करो एक कपड़े से एटलीस्ट, या फिर हफ्ते में एक बार अपने स्नीकर्स को साफ जरूर कर लिया करो अच्छे से किसी अच्छे क्लीनिंग सोल्यूशन से। अलग अलग स्नीकर्स अलग अलग तरीके से साफ होते हैं। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूंगा कि अलग अलग स्नीकर्स को कैसे साफ करते हैं, अगर इस वीडियो पे आप 5000 लाइक्स करवा दोगे, क्योंकि यार आप महंगे से महंगे स्नीकर्स पहन सकते हो। भाई मैं एक बार अपने जॉर्डन्स पहन के गया था, उनपे इतनी धूल लगी हुई थी, सारी इज्जत गिर गई जॉर्डन्स की। एंड लास्ट बोनस रूल या टिप या जो भी कहो, वो ये है कि आप सूट्स के साथ स्नीकर्स पहन सकते हो, बट आपको शुरू वाले वही रूल्स याद रखने हैं कि भाई स्लिम तरीके का कपड़े पहन रहे हो तो आपको नीचे स्नीकर्स भी स्लिम वाले पहनने हैं, एंड अगर ऊपर क्लासी टाइप के पहन रहे हो तो आपके स्नीकर्स भी लेदर टाइप के होने चाहिए। तो आपको समझ आया कि स्नीकर्स मैचिंग के वो रूल्स क्यों बताए थे। अगर आप प्लेन लेदर क्लासी स्नीकर्स सूट के साथ पहनोगे वो अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छी पार्टी लुक बनती है। एंड दैट्स इट। देखो रूल्स तो भाई कहने के रूल्स होते हैं, आप रूल्स तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो, मैं तो बस वो बता रहा हूँ जिसपे सबसे ज्यादा लाइक्स आते हैं। बट एनीवे बात जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 5000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा 2000 रुपीस का एक ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। रूल सारे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।